हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को इस वीडियो में हम बताएंगे सावन माह का पोस्टर कैसे बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, हम इसका एक एक कॉपी इधर बना के रख लिए हैं और इसको आप लोगों को सेट करके दिखाऊंगा। और देखिए, यहाँ पे हमारे प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर हम टिक करेंगे। और देखिए, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल दिख, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और इस पे हम होल्ड करेंगे और ये दूसरे नंबर वाला ऑप्शन लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ब्रेक ए पार्ट करेंगे और फिर टिक करेंगे और ऑल अनग्रुप करेंगे और यहाँ इसको एक ठो यहाँ डिलीट कर देंगे। और दोस्तों देखिए, यहाँ ये हमारा जो है कलर है और जो इसका बॉर्डर होता है, बॉर्डर बनाने के लिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके सीख सकते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं इस पर टिक करूँगा और यहाँ पे फिल कलर दिया है और इसको क्लिक करके और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें छोड़ देंगे तो फिल हो जाएगा। और फिल होने के बाद दोस्तों, F4 प्रेस करेंगे तो कुछ छोटा हो जाएगा। और यही कलर सेम मैं इसमें भी फिल कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से देखिए वह। और यहाँ का आउटर लाइन वाइट कर देंगे, देखिए इसमें का, सॉरी दोस्तों, इस पर टिक करेंगे इस पर और इसका आउटर लाइन वाइट करेंगे और यहाँ से लाइनिंग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, देखिए कुछ इतना का फिल कर देंगे, कुछ इस तरह का। और इस तरह का फिल करने के बाद दोस्तों, और जो ये हमारा है बोलबम का इमेज, और इसमें जाएंगे इफेक्ट में और यहाँ से पावर क्लिप कर देंगे और यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे और इसको भी इसी में पावर क्लिक कर देंगे। तो उसी तरह इसको भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे पावर क्लिक कर देंगे, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। और इसमें से देखिए दोस्तों, एडिट कंटेंट कर देंगे या फिर इस पर हम कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे और इस पर एक बार क्लिक करेंगे इस रेक्टेंगल पे तो इसमें आ जाएंगे। और इसको ऐसे करेंगे, इतना थोड़ा सा ऊपर करेंगे और देखिए दोस्तों, इस पे माउस पॉइंटर होल्ड करेंगे और यहाँ से इरेजर लेंगे और इस तरह ड्रैग कर देंगे तो देखिए दोस्तों, हमारा कुछ इरेज होके इसमें मर्ज हो गया है दोस्तों, ये जो हमारा इमेज है। और इसको मैं बड़ा करूँगा कुछ इस साइड का, देखिए दोस्तों, ये हमारा, इसको बड़ा करने के बाद जो हमारा बोलबम का इमेज था वो नीचे चला गया। और इसको उसको ऊपर लाने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करके अपने कीबोर्ड से पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। और यहाँ से देखिए, फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हमारा बन जाएगा। और ये जो हमारा है, इसको हम यहाँ पे ला के रख देंगे और इसको जूम इन कर लेंगे, देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का जूम हुआ। और सेट करने के बाद दोस्तों, देखिए हमारा इमेज है, इसको यहाँ पे रखेंगे और ये हमने ऑलरेडी टेक्स्ट टाइप कर लिया है, कुछ ऐसे रख लेंगे यहाँ पे। और देखिए दोस्तों, इसको भी हम पावर क्लिप करेंगे उसी तरह और राइट क्लिक करके करेंगे तो एडिट का ऑप्शन देगा और हम इसको यहाँ पे ऐसे रख देंगे और कर देंगे ओके। करने के बाद दोस्तों देखिए, और इसको, इस वाई को हम यहाँ पे रख देंगे कुछ इस प्रकार का, और इनका सहयोगी में डालना है तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इन यहाँ पे सेटिंग करेंगे और यहाँ से जूम इन करेंगे और थोड़ा सा पिक्टल से इसको ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से एक देखिए रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ इस तरह का ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह का ड्रॉ करेंगे और पिक टू लेंगे और कुछ इस तरह का करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये हमारा जो टेक्स्ट है उसको पेज शिफ्ट बटन के साथ पेज अप कर लेंगे और इसे जो रेक्टेंगल लिए थे इसमें कलर फिल कर देंगे और इसका आउटर लाइन रन कर देंगे। और जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट को हम यहाँ से कर देंगे वाइट कर देंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखेगा। और इसको जूम जूम करने के बाद दोस्तों, कुछ यहाँ भी वैसे सेम रेक्टेंगल लेंगे
और यहाँ पे भी इसको पेज ऑफ करेंगे, और यहाँ पे भी मैं कोई मान लीजिए इस पे ग्रीन पे होल्ड करूँगा तो कुछ इस तरह का आएगा, तो मैं डार्क ग्रीन कर देता हूँ और इसको आउटलाइन नन कर देता हूँ, और इसको सेंटर में ले जाके, सेंटर में गया और थोड़ा सा देखिए इसमें कुछ इस तरह का हो, और इसका मैं कलर येलो रख दूंगा या फिर व्हाइट भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैं येलो रखा हूँ, और इसके बाद दोस्तों ये हमारे भोले बाबा का जो इमेज है हम लोग इनके सर पे रख देंगे कुछ है इस तरह का, और जो ये रेक्टेंगल है इसको मैं लिंक इसका सीडीआर दे दूंगा और आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। और कुछ इस तरह का देखिए, इसको मैं हम लोग छोटा कर देंगे इस तरह का होगा, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको भी यहीं पे रख देंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए शुभकामना ये है, यहाँ पे हम लोग इसको ड्रैग किए यहाँ पे यहाँ तक रखें। देखिए दोस्तों आप सभी छात्रवासियों को जो लिखा है इसको थोड़ा छोटा करेंगे ये, और इसका कलर व्हाइट कर देंगे और छोटा करेंगे कुछ इस तरह का, इसको भी छोटा थोड़ा सा करेंगे और इसका हम कर देंगे हेलो थोड़ा सा बड़ा नहीं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे, और जो हमारा ये हार्दिक शुभकामनाएं हैं मैं इसको यहीं पे रखूँगा कुछ इस प्रकार, और मैं इसको कर दूंगा व्हाइट। व्हाइट करने के बाद दोस्तों देखिए मैं इसको जो हमारा शुभकामनाएं हैं इसको मैं येलो कर दूंगा, देखिए कुछ इस तरह का हमको इफेक्ट नज़र आ रहा है। मैं और फिर मैं इसको सेट करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक फिर रेक्टेंगल लूँगा देखिए कुछ इतना सा, और ये देखिए शेप टूल पे जाएंगे और इसका कॉर्नर जो है यहाँ पे राउंडेड कर देंगे, देखिए कुछ इस तरह का। राउंडेड होने के बाद दोस्तों देखिए इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे और इसमें व्हाइट कलर फिल कर देंगे, और ये सहयोगी जो है और हम लोग इसी में रखेंगे देखिए, और इसको हम कर देंगे रेड कर दे रहे हैं। देखिए हमने इसको सेट किया, और फिर दोस्तों एक रेक्टेंगल लेंगे देखिए कुछ इस प्रकार का, और इस यहाँ पे हम देखिए एक बार आउट क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आएगा हमारा कोना, और हम थोड़ा सा पकड़ के हैंडल को इतना सा इधर कर देंगे, और एक रेक्टेंगल लेंगे ये कुछ इतना सा, पिक टूल रेक्टेंगल लेंगे और पिक टूल लेंगे और शिफ्ट बटन को प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए विल्ड का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन दिया है, तो हम यहाँ पे ट्रिम कर देंगे, ट्रिम करेंगे और इसको यहाँ से कर देंगे डिलीट। ट्रिम करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अपने कीबोर्ड से हमारा जो कीबोर्ड है नंबरिंग के बगल में वहाँ पे एक प्लस का सिंबल दिया हुआ, वहाँ पे जब हम प्लस करेंगे तो हमारा जो रेक्टेंगल है कॉपी हो जाएगा। मैं इसको ड्रैग करके कुछ इतना सा कुछ इस तरह का हमारा रेक्टेंगल बनेगा, और मैं फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए इंसर्ट फिल कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ इस तरह का करेंगे और कुछ इस तरह का, और देखिए ये हमारा जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है इसमें थोड़ा सा कुछ इस तरह का करेंगे, और जो ये हमारा है साइड में इसको हम येलो करेंगे और इसका आउटर लाइन नन कर देंगे और इसको इसी में सेट कर देंगे। और देखिए दोस्तों पैर और नीच अंदर जा रहा है रेक्टेंगल के, और इसको हम शिफ्ट बटन और पेज अप करेंगे तो हमारा पेज अप होके ऊपर आ जाएगा, और इसका आउटर लाइन हम देखिए इसको हम वाइट कर देंगे, वाइट कलर फिल करेंगे तो थोड़ा सा जूम करेंगे और इसके साइज के हिसाब से इसमें सेट कर, कुछ इस तरह का हमारा इमेज हो गया। अब देखिए हमको ये इतना मैटर सेट करना है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे खींच कर लाएंगे, और देखिए दोस्तों और हम थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, और देखिए दोस्तों ये यहाँ पे कुछ ऑलरेडी मैटर टाइप कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, देखिए हमारा मैटर
हो गया इतना। और देखिए दोस्तों, हम लोग इसको यहाँ पे करेंगे और इसको कर देंगे वाइट। और दोस्तों हम यहाँ पे फिर एक बार टिक करेंगे और एक यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे। और देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार का, और इसमें हम फिल कर देंगे डार्क ग्रीन। और फिर टूल लेंगे और इसको पेज अप कर देंगे और इसका आउटर लाइन नन कर देंगे। और दोस्तों इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे थोड़ा सा लाइट कलर ये वाला, और यहाँ से कर देंगे ओके। देखिए दोस्तों कुछ हमारा इस तरह का इफेक्ट आया, और इसको हम कर देंगे यहाँ से हेलो करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का कर देंगे, और इसका आउटर लाइन कर देंगे हम लोग हेलो करने के बाद। दोस्तों देखिए यहाँ से हम इसका आउटर लाइन दे देंगे ब्लैक, और कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आउटर लाइन कलर में, या फिर F12 प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार का खुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो भी ऐसा आएगा। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसका आउटर लाइन बढ़ा देते हैं कुछ इस प्रकार का, देखिए कुछ ऐसा लगा, और इसको भी हम थोड़ा सा आउटर लाइन दे दें। आप दे लीजिएगा आपके हिसाब से दोस्तों। देखिए कुछ इस तरह का हमारा सोशल मीडिया पोस्ट बन के रेडी हो गया। तो दोस्तों मैं इसका CDR लिंक दे दूंगा और आप लोग इस पे सीख सकते हैं। हमारे वीडियो को सर करिए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मोटिवेशन बना रहे, और मैं और आप लोगों को जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा।